वन भूमि को लेकर खूनी संघर्ष, एक की हत्या, एक गंभीर घायल। बमोरी विधानसभा में अवैध वनों की कटाई, अवैध वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही मामला आज सुबह सामने आया जब भील समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। इसमें दोनों गुटों से करीब 10 व्यक्ति घायल होना बताया गया है। बमोरी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने दोनों ओर से पांच पांच नाम दर्ज कर आरोपियों पर FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि वन विभाग और जिला प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण वन माफिया निडर हैं। जिला प्रशासन आज तक वन माफिया पर शिकंजा नहीं कर सका है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले भी बमोरी विधानसभा में वनों की कटाई और अतिक्रमण को लेकर दर्जनों खूनी संघर्ष हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति घायल हुए हैं। वहीं फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीलखेड़ा ग्राम में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक व्यक्ति की हत्या की जा चुकी है। इसमें 10 आरोपी जेल में सलाखों के पीछे हैं। अरे ये 10-12 गया वहाँ टापरी बना दिया वह, तो वो बैठे हुए तो वो एकदम आकर लड़ने लग गया। बड़ासी और लुआंगी हथियार लेकर दे रहा है। कितने लोग थे वो? 40 लोग थे। आप जानते उनमें से किसी को? हाँ सर, नहीं तो वहाँ मौका पे नहीं, ये नहीं था जान मौका पे। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। कैसे घटना हुई है? हम वहाँ पर टपरिया बनाकर बैठे थे, हमारा कब्जा भी है वहाँ पर वन विभाग का, तो हम लोग टपरिया बनाकर बैठे थे। इधर से ये पार्टी बनकर किशनपुरा से पूरे आदमी जुड़ के आए, तो लुआंगी और गड़ा सिंह और धारिया और गुथना एकदम से चलाई, तो हमारे पास आदमी घायल हो गए। एक तो ख़त्म ही हो गया, एक मीनाक्षी में भर्ती है अभी। कितने लोग घायल हुए? 5 लोग हुए हैं। 5 लोग। हाँ सर, ये मामला है गडला मार और मोहनपुरा का, इसमें किशनपुरा का। इसमें दोनों में क्या जमीन का थोड़ी विवाद चल रहा है वन विभाग की, तो ये बांसखेड़ी में पड़ती है। तो ये मतलब खुद वहाँ थे दोनों, बोले तुम ये हमारी ज़मीन है, हमारा कब्जा वाली ज़मीन है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। किससे किसका विवाद हुआ था? ये गडला मार और किशनपुरा का। तो फिर ये घटना कैसे हो गई? ये घटना तो जब वहाँ इन लड़ाई होने के बाद में फिर ये ज़्यादा मतलब सीरियस है।